मैं हूं संसार सिंह और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़। जम्मू के अंदर जंगल राज, ये हम नहीं कह रहे, जो परिवार हमारे पास इस वक्त बैठा हुआ है, हमारे पास शिकायत लेके आया है, वो परिवार ये कह रहा है। मामला इतना गर्मा गया कि आज उस लड़की के परिवार को किसी और के घर में रहना पड़ रहा है, उनके घर को तोड़ दिया जाता है, उनके घर के अंदर तोड़फोड़ की जाती है। परिवार के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, रजत रमी हमारे साथ हैं। रजत जी, मैं जानना चाहता हूं ये मामला आपके पास कब आया, मैटर क्या था, किस तरीके से ये मामला जो है वो सुर्खियों में आया और पुलिस का क्या इसमें इंटरफेरेंस, पुलिस ने किस तरीके से की? संसार जी, बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि देश को आज़ाद हुए 74 ईयर्स हो चुके हैं और आज भी हमारे देश में इस तरीके के इंसिडेंट, जो जातिवादिक इंसिडेंट है, जो जातिवादिक सोच जो है हमारे समाज में अभी भी जो है चल रही है, बड़े शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है और बड़ा दुख से मुझे ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो फैमिली है ये बहुत दुखी होके बहुत हरासमेंट इनके साथ हुई है, तब जाके इन्होंने मुझे अप्रोच किया। और उसके बाद इतनी ज़्यादा इनके साथ हरासमेंट हुई है, इतनी ज़्यादा हरासमेंट होने के बाद जब इनको जस्टिस जो है नहीं मिल पा रहा है, चाहे ये पुलिस के पास पिछले लगभग 2 साल से और लगभग पिछले 28 दिन से पुलिस की जो है चौकट पर रोज़ जाके कभी SHO के पास जा रहे हैं, कभी चौकी अफसर के पास जा रहे हैं, कभी DSP के पास जा रहे हैं, कभी SP के पास जा रहे हैं। और जब इन बेसहारा लोगों को जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो इन लोगों को बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि इनको मीडिया को अप्रोच करना पड़ता है और वकील के पास आना पड़ता है इंसाफ के लिए। सोचिए, अगर ऐसी जैसी चीज़ें सोसाइटी में कंटिन्यू रहती रहेंगी तो समाज कहाँ से अपलिफ्ट हो रहा है? समाज के अंदर आज भी जातिवाद इतना ज़्यादा है, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है। संसार जी, बात इस तरह से है कि 28 दिन से, लगभग पिछले 28 दिन से ये परिवार अपने घर में नहीं रह रहा है, 28 दिन से ये परिवार किसी और अपने पड़ोसी के घर में रह रहा है। वजह यह है कि ये एक छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं और सो कॉल्ड अपर कास्ट कम्युनिटी जो है इन लोगों को ओपनली थ्रेट दे रही है कि हम आप लोगों को आपके अपने गांव में, आपके घर में आने नहीं देंगे, अगर आप अपने गांव में या अपने घर में आओगे हम आप लोगों को ख़त्म कर देंगे। मतलब इस तरीके की ओपनली थ्रेट मीडिया में, ये थ्रेट जो है सामने आई है, मैंने मीडिया में खुद देखा, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि जब फैमिली ओपन थ्रेट कर रही है कि मतलब इतना क्राइम, और जब ये फैमिली पुलिस के पास जाती है कि हमें जो है ओपनली थ्रेट आ रही है, हमें ओपनली जो है ये हमारे घर से निकाला जा रहा है, ओपनली मारा जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि तुम छोटी कास्ट वाले लोग जो हो इस गांव में नहीं रहोगे, तुम्हें हम यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम्हारी वजह से हमारे बेटे ने सुसाइड किया है, तुम्हारी छोटी कास्ट की वजह से हमारे बेटे ने जो है सुसाइड किया है, इसलिए हम तुम्हें इस गाँव में रहने नहीं देंगे, तुम इस गाँव से निकल जाओ। और जब ये बात ये लोग जो हैं इस बेटी के माता पिता पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस जो है इनफैक्ट उनको अक्यूज़ की FIR लिखनी चाहिए, उनके उल्टा इनके खिलाफ FIR लाज हो जाती है। बड़ी शर्म की बात है। और जब इतनी फैमिली दुखी होने के बाद जब सिविल सोसाइटी किस समाज के पास, अपने लोगों के पास जाती है कि हमारी मदद कीजिए, हमारी सुनवाई कोई पुलिस, कोई थानेदार नहीं कर रहा है, कोई DSP सुनवाई नहीं कर रहा है, तो सिविल सोसाइटी में जब ये लोग जाते हैं और कुछ लोग जब हमारे पास एज ए लॉयर मुझे अप्रोच करते हैं और अपने ये दुखड़ा मुझे सुनाते हैं और कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तब जाके हमने जो है इन्होंने मुझे कंप्लेंट दी, जिसमें कंप्लेंट जो है मेरे पास पड़ी हुई है, इन्होंने कंप्लेंट दी कि जिसमें इन्होंने पूरी स्टोरी लिखी थी कि किस तरीके से इनके साथ जो है जातिवादिक हरासमेंट हो रही है, किस तरीके से इनको मारा जाता है, जाति सूचित गालियां दी जाती हैं। ये एप्लीकेशन इन्होंने 28 दिन पहले चौकी अफसर को भी दी थी, चौकी अफसर को 28 दिन पहले एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनफैक्ट उल्टा इनके ऊपर पर्चा जो है लगाया जाता है, लेकिन जब इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जब वो कंप्लेंट लेके मैंने जब DSP साहब से हमने बात की, DSP साहब ने कहा को मैंने कहा कि जनाब, एक बंदे को, एक फैमिली को इतना विक्टिमाइज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, तो आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उल्टा आपने FIR जो है
इनके ही खिलाफ लगा ली। तो डीएसपी साहब मुझे कहते हैं, जनाब हमें नहीं पता था, हमें लगा तो हमने तो हमें तो हमने एफआईआर शाहिद भाई इनकी तरफ से लगाई है। बड़े शर्म से मुझे कहने पड़ रहा है, एक इतने बड़े लेवल का पुलिस अधिकारी ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं था कि ये लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं। तो फिर डीएसपी साहब मुझे आश्वासन दिलाते हैं, एक श्योरिटी देते हैं कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, इनको हमारा एक ही इंटेंशन है कि हमारी इनको इंसाफ मिलना चाहिए, दे शुड बी रिहैबिलिटेटेड, इनको अपने घर में जाने दिया जाना चाहिए जो पिछले 28 दिन से घर में नहीं है। तो डीएसपी साहब मुझे विश्वास दिलाते हैं और डीएसपी साहब कहते हैं कि पूरी कार्रवाई, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, डीएसपी साहब ने कहा कि हम पूरी आपकी मदद करेंगे, इनकी फैमिली की मदद करेंगे। तो उन्होंने पुलिस लेके जो है वहाँ पे इनके घर में चले जाते हैं। बड़ी विडम्बना की बात है जनाब, वहाँ पे डीएसपी साहब इनके साथ गए थे, डीएसपी साहब भी आपके साथ गए थे, चौकी अफसर इनके साथ गए और अलग पुलिसकर्मी भी गए, इन पर पथराव हो गया, वहाँ पर पुलिस में भी पथराव कर दिया और इतना ज़्यादा पथराव कर गया कि पुलिस ने बोला कि पुलिस वाले भी भाग गए इनको लेके, कि नहीं मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है ओपनली जो उन्होंने थ्रेट किया कि हम नहीं इनको यहाँ रिहैबिलिटेट करने देंगे, इनको यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तो फिर क्या हो गया कि डीएसपी साहब ने ये चीज़ जब चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट में जो है इनका मुकदमा दर्ज हुआ, जितने अपराधी थे इनके इन्होंने जिनके नाम लिए उनकी तरफ से इनको इनका जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन सर बड़ी शर्म की बात है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, किसके इशारे पे काम कर रही है, किसके कहने पे काम कर रही है। पिछले 4-5 दिन से ओपनली जो है अक्यूज इनको थ्रेट कर रहे हैं, FIR लॉज होने के बाद, जिस दिन FIR लॉज होती है उसके दूसरे दिन क्या किया जाता है जनाब, बड़ी शर्म की बात है, इनके घर पे जाके जो है तोड़फोड़ की जाती है। अक्यूज इनके घर पे जा रहे हैं, इनके घर के सारे दरवाजे सारे शीशे, इनफैक्ट आग लगाने की कोशिश की, क्यों भाई तुम लोगों ने हमारे खिलाफ पर्चा क्यों काटा। मतलब इतनी ज़्यादा जातिवाद, मतलब हम किस समाज में रह रहे हैं, आज भी अगर इतना कास्टिज्म अगर इस सोसाइटी में है तो ये मतलब मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है। बट पुलिस जो है प्रशासन जो है अभी तक जो है अक्यूज के, पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है कि पिछले 4 दिन से दे आर ओपनली थ्रेटनिंग एंड दे आर उन्होंने इनका घर तक तोड़ दिया, घर को जलाने की कोशिश कर ली, लेकिन वो पुलिस वाले अभी तक उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ओपन डायरेक्शन जो है ADD साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी, जो एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं, और उन्होंने कहा था कि जो विक्टिम फैमिली को जो है प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन प्रोटेक्शन देना तो दूर की बात है, अभी तक अक्यूज जो अरेस्ट भी नहीं हुए हैं इनसे, और जो पूरी फैमिली जो है ना ट्रॉमा में है, मेंटल ट्रॉमा में है, जो मतलब अपने घर से बाहर इनको रहना पड़ रहा है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप इनको प्रोटेक्शन नहीं दिला सकते हो, अगर आप इनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो, कि अक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, एक काम कर लीजिए, इनको लाइसेंस ग्रांट कर दीजिए, गन का लाइसेंस ग्रांट कर दीजिए, ये खुद अपनी प्रोटेक्शन करेंगे। बस मेरा इतनी सी गुहार है कि जल्दी से जल्दी से उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोर्ट की ओर से कोई ऑर्डर गया है, कोई ऑर्डर दिया गया है पुलिस को कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए? जनाब हमने जम्मू कश्मीर में SC ST एडवाइजरी बोर्ड है, SC ST एडवाइजरी बोर्ड को जब विक्टिम फैमिली ने अप्रोच किया तो एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर हैं ADDD साहब, उनकी डायरेक्ट डायरेक्शन थी कि फटा से फट इस केस में जो FIR लॉज हो और विक्टिम फैमिली को जो प्रोटेक्शन दी जाए, और उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड ने इनफैक्ट ये भी कहा कि अगर कुछ भी इनको रिक्वायरमेंट है, रिहैबिलिटेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए, इनको कहीं रहना है तो उनको पूरी मदद की जाए। बट बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि इनको अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल पाई, इनफैक्ट इनको पड़ोसियों के घर पर रहना पड़ रहा है, अपना घर छोड़। कितने दिन पहले ये लगभग अब इस प्रोसेस को 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से जब से FIR लॉज हुई है, और इनफैक्ट 28 डेज से ये अपने घर में नहीं रह रहे हैं, और ना चार पाँच दिनों से अक्यूज जो है ओपनली घूम रहे हैं, तो ओपनली पंचायत कर रहे हैं, ओपनली मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इनको आने नहीं देंगे घर पे। मतलब अपराधियों, पुलिस मुझे समझ नहीं आ रहा अपराधियों का साथ दे रही है कि विक्टिम का साथ दे रही है, या कागजी तौर पर उन्होंने FIR लॉज कर लिया, आगे कार्रवाई कुछ कर रही नहीं है। क्या हुआ था मुझे कहानी बताइए, कैसे शुरू हुआ था और आज जो हालात बने हैं क्या कारण थे? ठीक है, पहले साढ़े कोल रहा आहो वो की फोन करता हा, साढ़े घर जिन्हिया गल करते उगा रिकॉर्ड करिया गैली लादा हा। हाँ जी वो मुड़ा जरा सुपरूप शर्मा, हाँ वह गैली गैली घूमता हा, अहें में वो बबे आखिया भला ये अहें इं लगी पे कर, उन्हें आखना नहीं किश नहीं होंगे कख नहीं होंगे तुस किश नहीं आखो है, असी अहें फिर आखना ठीक है, फिर अहें
मैं सरपंच दी सुनाया। हुआ क्या था मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं, वो लड़का किसे फ़ोन करता था, क्यों फ़ोन करता था, मुझे पूरी बात देखिए डिटेल से बताइए, जो हुआ वो बताइए। कुड़ी फोन करता हा, कुड़ी ने सुनाया मम्मी फोन करता है, मम्मी फोन करिए ये जो गल्ला में करनी है जोल्ले ये रिकॉर्ड करिए गैली लांदा है। ते फिर मैं आख्या ठीक है, मैं सरपंच दी सुनाया, मैं आख्या सरपंच साहब इं गल है भला मुड़ा फोन करता है तंग करता है, ते मैं है तुस भला साढ़े घर आई सकते हो, वो आए साढ़े घर, उन्हें आख्या ठीक है, उन्हें आख्या तू अपनी सिम तोड़ी उड़ो, मैं आख्या ठीक है, कुड़ी ने तोड़ी उड़ी, कुड़ी आखले ठीक, फिर भी उन्हें कुहा कुहा फोन पर करते रौना, उन्हें साढ़े नंबर पा के कि कोल कोल दे रोंदे हे, ते उन्हें फोन करते रौना, तां मी असें मैं आख्या ठीक है, फिर असें रिपोर्ट लिखाई, असें रिपोर्ट लिखाई, उत्थें गए उहदे डैडी भी सद्या, सरपंचे पंचे सद्या, लंबड़दार भी सद्या कि उत्थें बिठा लिया, असें आख्या अपने पुत्रे जिम्मेवारी चुको, वह बोलिया आखा मैं जिम्मेवारी नहीं चुकी सकता, असें आख्या ठीक है, फिर असें केह कीता उन्हें परचा लाई लिया, परचा लाया जोल्ला उन्हें पता अग्गें पुजी गए केस, फिर वह आनिए पैरें हाथ ला सारे दी पैंचे सरपैंचे साढ़े घर भेजे, भला जियां भी होंदी है गल रफा दफा कराओ, मैं अपने पुत्रा ही कुदै भेजी ओड़ग, असें आखिया ठीक है भेजी ओड़ग, चलो फिर भी कोल रौह्ने, असें इ'यै गल सोची, कन्नै अस गरीब लोग आं ध्याड़ी लाइयै रुट्टी खन्ने, अस कुदै कोर्ट कचहरियें फिरगे, ते उ'नें केह् करना, तां मी ओह् बाबो दा पैंच ऐ भला, उ'नें सारियां गल्लां असें मंजूर कर लें, आखेआ ठीक है, असें फिर भी ओह् क्लास नहीं छोड़ा, असें आखेआ ठीक है, वह मुड़ा चल ब्याह करना चाहता जां नहीं करना चाहता वह नहीं मी पता, आखदा जां होना ते तां जां परेशान करता हा असें, जिधर कुड़ी ने जाना उन्हें पिछे पिछे फिरदे रौह्ना, ते फिर केह् कीता मैं आख्या ठीक है, ओहदे बब्बे ही असें आख्या ठीक है, जे तुसें साढ़ी कुड़ी ब्याहनी है ब्याही लो, साढ़ी क्लासी मुक्की जाग, साढ़ी बेइज्जती जिन्नी होवा ही है ते एह्दे कोला बेइज्जती कोला बची जाह्गे, कि मैं भी सोचा, मैं आख्या मैं ओह् बब्बे सिरै पर फिरदा होग असीं केह् पता, ते बब्ब बोलिया कि मेरा मुड़ा मरी जा जो किश मर्जी करै जेलै अंदर रवै कि असें शादी नहीं करी सकदे ऐ, भला अस ब्राह्मण तुस बरवाले अस नहीं करदे ऐ शादी, साढ़ा कन्नै कल्ला घर ऐ उत्थै, मेरे जेठ अह पंज भ्रा न ते चार भ्रा उरै रौंह्दे न, अह कल्ले उत्थै रौह्ने आं, कि इक मेरा मुड़ा ऐ 16 साल दा ते कुड़ी 20 साल दी, ते उ'नें बेचारें केह् करना, जने ने कम्मै चली जाना, मुड़े ने स्कूल चली जाना, ते कुड़ी बी चली जंदी ही, कि आनी जानी जोल्लै कुड़ी ने घर पुज्जना उन्नै ओल्लै आई जाना, फिरी किरिये गेड़े लांदे रौह्ना, गेट ठोली उन्ने सोड़ा साढ़ा उन्नै तरदान शीशा भनीड़ आना साढ़ा खिड़की आह्ला बाहर आह्ला, उन्नै केह् करना पूरी पूरी रात उद्धर हत्थ पाड़दे रौह्ना, कोल लाने इ'यां मारना पौना, इंदा सिर पाड़ी ओड़ेआ जीजे, ओह् जेठ हा मेरा कन्नै जीजा ऐ, उसी बाहमें पर ठोकी, मी इट्टै ई ठोकी, उन्नै बुरी हालत कीती साढ़ी 2 साल, असें बड़ा जा दुखी कीता, हून मरी गेआ, हून तां मी असें आखा तुहें मारिया साढ़ा मुड़ा, अपने अंदर पा लग्गेआ ओह्, असें केह् पता अपने लग्गे जां कुसै लग्गे, असें कोई पता नहीं, कोल जो बेशक रौह्ने कुसै घरा केह् पता, ते कन्नै असें कल्ले कल्ले जीव, असें केह् पता कुसै घरा भले केह् होवा ते केह् नेईं होवा दा। आपकी लड़की जो थी वो लड़की उसे पसंद करती थी, उन दोनों की कोई बात थी ऐसी? नहीं नहीं, कोई नहीं पसंद नहीं करती है ही, असें इब्बी गल आखी जे पसंद करती भी होवे चलो, ते ब्याह ही लैन क्लासी मुक्की आ साढ़ी, वह ब्याहदे भी नहीं, वह बोलदे आ ब्राह्मण तुस बरवाले हो असें नहीं करनी है भला, ते असें जबरदस्ती दे कुसै घर सुट्टन नहीं होंदी ऐ ही, सारे लोकें गी उ'नें लोकें गी पता कोल कोल पड़ोसियें गी भला एह् बड़ा तंग करदा ऐ, अजकल ओह् लोग दिक्खियै पैह्लें दिक्खियै चांगी लाइयै ओह् अंदर होई जंदे हे, उ'ऐ लोग असें हून मारने पौंदे। हाँ जी, लड़के ने जो सुसाइड की है, आपने उनके परिवार से बात की थी कि लड़की की शादी कर देते हैं, फिर क्या कहा उन्हें सरपंच ने? उ'नेंगी आखिया असें सरपंच दी सनाया नहीं होंदा तुस पुच्छी सकदे हो इंदा घर, सरपंच ने आखिया ठीक है पुछना, उन्हें आखिया मेरा मुड़ा मरी जा जो मर्जी होई जा जेल होई जा कि मैं नहीं करी सकदा इंदा घर, ये गल होई। लड़की क्या कहती है, लड़की से बात हुई, अब लड़की की कंडीशन क्या है, वो क्या कहती है? लड़की ने किश नहीं आखिया, ना लड़की ने किश नहीं आखिया, वो जे मेरी कुड़ी उसी पसंद करती होंदी ओह् भी मरी गेदी होंदी, वह भी मरी जी कम मुक्की जाता साढ़ा, तो हूँ आखते इंदी वजह कन्नै मुड़ा मरिया, अह कन्नै गरीब हाँ अहें कुत्थै जाना भला, साढ़ा घर तो उन्हें भन्नी ओड़ेआ, अहें म्हीना होया कुदै घर जगे दे, इ'यां फिरते होया खज्जल होंदे अहें,
मेरिया दरानियां जठानियां मझा ही रखी दी दरानियां जठानियां जिंदियां उन्हें ही मारना पे जे कुड़ियां उंदियां जबरदस्ती गेट गुआड़िया अंदर बड़ी जाना मारना आनी है कन्नै पूरे लोग जे किट्ठे हो आई जे अं मारने वास्ते सारे अपर कास्ट के लोग रहते हैं साढ़ा इक्कै घर है उधर हाँ इक्कै घर है साढ़ा तो बाकी उंदे सारे अपने घर न तो वह सारे मारन आई जन्दे निक्के लिए बड़े धोड़ी इ'यां अल्लाह मचांदे नी इ'यां मचाई आई जन्दे कहते क्या अब क्या कहते आखदे इत्थै नहीं रौह देना तुसीं अपनी इट्टां पुट्टियां ले आओ तो असें तुसीं नहीं रहन देना मैं आखना मैं इट्टां पुट्टियां कुत्थै लैनियां तुसीं इट्टां भी तुस जां ले लो भला मैं किश नहीं लैना चाहती आपका क्या नाम मेरा नगपाल दा सर जी जी क्या हुआ था ये सारा मैटर अब तक क्या हो रहा है सर दो साल होई गया इयै ड्रामा चलदे असें बड़े मुड़े समझाने की कोशिश की साढ़े कन्नै मुड़ा गल नहीं करता हा बिल्कुल मेरे ने कोई गल नहीं करनी मी दिक्खिया उन्हें साइड पर होई जाना मैं छड़ा घर आना गली चक्कर लांदा रहो पर कहना मेरे ने कोई गल नहीं करनी साढ़ा कहना जोल्लै भी उन्हें उधर फिरदे तुर अह म्हौल पूरा मैं म्हौल पूरा सही करी जंदा हा भाई इस मुड़े ने कुछ किश करना किश ना किश करना असें चुप करी रुट्टी दिखाई फोन लगना जोल्लै सर फोन लगना उन्हें महाराज गाली गलोचा कर देना भगवान जान कोई नशे करता केह करता हाँ गाली गलोचा नेड़े गंदे गफ्फे क्डने पूरे म्हल्ले मेरे पड़ोसियें आंढ़ियों गुआढ़ियों सारे सुनने कुसै ने इन्नी गल नहीं आखी भाई इसे समझाने कुसै बंदे इन्नी हिम्मत नहीं भाई कुसै समझाने सारे धियां भैन सुनती रही सारे मावं बेटियां सुनती रही पर कुसै इन्नी हिम्मत नहीं पई है तो अज वो सुसाइड करी बैठा पूरा ग्रां एक ही गेदा पूरा ग्रां ग्रां ने एका कर लेदा भाई असें इन इतने रह नहीं देना मैं सर फिर असें पुलिस रिपोर्ट की जोड़ियां थाने पुलिस आने रिपोर्ट रख ली साड़ी फिर वो प्यो ने एक सरपंच कने गल की कोई ओदी कास्ट का सरपंच हा आप कितनी देर से रह रहे हैं उस गांव में मैं सर 1956 के रह रहे हैं जी जी तो कितने घर हैं आपके वहाँ सर मेरा अकेला घर है उधर अकेला घर है सर बाकी सब ब्राह्मणों के घर हैं मेरा अकेला घर है तो हमने पुलिस में रिपोर्ट दी तो उधर किसी दूसरे सरपंच को पिता ने आख्या भाई यार इन मना नहीं है ना अहे पिता जी फोन किया मैं पर्चा लगा लान मुझे एक बात तो आपकी लड़की जो थी वो आपको बताती थी कभी कि मुझे लड़का तंग करता है ये बातें होती हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल तंग लड़की ने बड़ी बारी सुनाया मैं इस वास्ते तो मैं पुलिस स्टेशन गया पुलिस स्टेशन गया उतना अहें क्या कंप्लेन लिखाई कंप्लेन लिखाई है महाराज उन्हें कुछ सरपंच कन्नै गल की अपने जनरल सरपंच कन्नै भाई इन गल है तो यह परचा लाने की कोशिश नहीं करे इन यार बना कुछ जल्दी तो उन्हें भी यार साढ़े रिक्वेस्ट की तो अहें अपने सरपंच कन्नै गल की आखा उन्हें आख्या ठीक है मैं पंचायत पंचायत बुला लें पंचायत बच्चे गल करने तो थोड़ी गल रफा दफा कराने अहें सर पंचायत बुलाई पंचायत बुलाइए महाराज क्या सरपंच सरपंच ने पंचायत नामा लिखाया वो प्यो के सैन भी कराए पूरी पंचायत मेंबर के सैन कराए जो पंच पुंच है ये उन्हें आख्या अज्जा वास्ता यदा मुड़ा गलत लग नहीं लगा करन अगर गलत करोग तो मैं सरपंच आखा मैं जुदा आगे मैं जाने तैयार हाँ कोई ये डरने की कोई जरूरत नहीं अहें सर फिर चुप होइए मुड़ा यदा कुदै चली अग्गे पिछे महीना खंड तो अगे पिछे रहा कुदै महीने बाद महीने डेढ़ी बाद सर दोबारा आई गया दोबारा सर उ कदम ले पे करना दोबारा ले पे करना सरपंच जी फिर सुनाया सरपंच साहब दसो केह करना है अहें तुंदा फैसला मंजूर किया दोबारा मुड़ा उ करने पे करना सर दोबारा रिपोर्ट दी दोबारा रिपोर्ट दी पंचायत मेरे कन्नै दोबारा सारी चली गई पूरी पंचायत मेरा मुड़ी थाना चली गई उसे चौक वहाँ पे जो अपर कास्ट लोग थे वो भी आपकी सपोर्ट में आपके साथ जी नहीं सरपंच ही था सर बाकी कोई नहीं था सरपंच ही आता था पर उस टाइम प्रीतम के साथ एक भी गाँव ग्रां का कोई भी बच्चा प्रीतम के साथ नहीं जाता है अकेला प्रीतम पुलिस स्टेशन जाता हाँ और कोई नहीं जाता मेरे कन्नै पूरी पंचायत टुटदी सी और पंचायत उत्थे गए पंचायत मेरी गई सारी लंबड़दार गया मेरे सारे पंच सरपंच गए मैं सारे ने पूछा मैं पंच साहब लंबड़दार साहब कोई जिम्मेवारी ले सकता यदि आख ले सरपंच ने आख्या हाथ जोड़िया मैं एक बार पंचायत बिच फैसला कराई बैठा था दोबारा मैं कख नहीं कराई सकता मैं भ्रा मैं जिम्मेवारी यदि नहीं ले सकता है फिर अस लंबड़दार ही पूछा लंबड़दार आखा मैं नहीं ले सकता फिर ये प्यो की पूछा लास्ट मैं आख्या प्रीतम जी तुस ये जिम्मेवारी ले सकते हो प्रीतम ने महाराज मना करी आख्या मैं नहीं समझाई सकता मेरी नहीं समझता ऐ कहा सर जी आइए तो आखिया मैं सर परचा लाई दिया परचा लाई दिता जोड़ा परचा लाने के बाद महाराज उत्थे कोर्ट च परचा चली गया कुड़ी के बयान होए तो अहें फिर भी सर कुड़ी ने बयान थोड़े इ'यां गै बेचारी ने देई ओड़े भाई कुड़ी उन्हें साढ़े घर आइए पैरें हथले बे लान
उत्थे थाने गए कोर्ट च गए कोर्ट बिच जाइए पैरें थले बेल आन ते कहना आख लै जी अहें कहना दोबारा मुड़ा साढ़ा गल गलत हरकत नहीं लगा करना है फिर भी चुप हो गए मुड़े सर महीना खंड चुप रहना सर महीने बाद दोबारा भगवान जानता कोई नशा करता के करता के नहीं करता दोबारा उ कम नहीं होना करना फिर दोबारा सरपंच सदना सरपंच ने उसे प्यो की भी आखना समझा समझू उसी थोड़ी जी समझाना दोबारा मारा उ ड्रामे लिए बुना करना दोबारा गाली गलोचा मतलब इन्ने और छोड़िया सर नंगे होइए साढ़े पूरे फैमिली अगर अगर तोड़ना उन्हें बिल्कुल अफ नंगे ही है वो प्यो ने भी दिखना वो माँ ने भी दिखना बिल्कुल नहीं समझाया उसी है तो फिर सर लास्ट में क्या होया असें उसी आख्या असी सरपंच आख्या अस मुड़े की शादी कराईनी है अगर तुस आखो पुछो इसी अस शादी कराने तैयार हाँ प्यो का आखन लगा मेरा मुड़ा पंच गए महाराज त्रै पंच गए सरपंच गया प्यो ने आख्या मुड़ा मेरा खत्म हो गया जेल हो गया पर मैं इस ट्यूल कास्ट ने बुरवाले न मैं इंदा घर मुड़े का ब्याह नहीं करना चाहता मैं बिल्कुल अर्गे शादी नहीं करना चाहता मेरा मुड़ा जिन्ना मर्जी आखा मैं शादी करनी मैं ट्यूल कास्ट ने शादी ब्याह नहीं करना मुड़ा मेरा बेशक खत्म हो गया असें सर फिर भी चुप रहे असें आखिया चलो अज सुधरी जाता कल सुधरी जाता अज सुधरी कल सुधरी जाता मुड़ा सर मैं जिस दिन मुड़े ने खत्म होना हाँ मैं कम्मा पर आया 6 बजे निक्की निक्की बरखा लगी दी ही मुड़े दे भगवान जानता कौन बंदा फोन करा दा हा कौन नहीं करा दा असें इस गल का कोई नॉलेज नहीं है भाई कौन फोन करा दा कौन नहीं करा दा हा उत्थें मेरे गेट कोला नहीं आखा महाराज मी कोई बंदा महाराज मी धमकियां दे दा मैं महाराज सवेरे का फोन करा दा मैं फलानी जगह गेदा टिंग जी उत्थे बंदा फोन करा मैं सरपंच ही फोन किया तो अगर तू फटाफट आ मेरे को मेरा ब्याह करानी है अगर तू मेरा ब्याह नहीं करांदा तो मैं खत्म हो जाना और मैं इन्हें भी कहना जेल कराई नहीं तो तुम भी मैं अंदर कराई ना सरपंच साहब ने आख्या कोई गल नहीं मैं आना तेरा घर तेरे प्यो ने गल करना एक मिनट रुकी जा सरपंच साहब के पुजे पुजने तक महाराज वो कहना पता नहीं सुसाइड करी बैठा कुछ अपने अंदर फा लगी आ असें सर अपने अंदरा गेटा कुंडा दे सर अस अपने गेटा अंदरा फटाफट बाहर निकलने की कोशिश की असें कि उंदे पत्रीए उंदे चाचे उंदे पत्रीए सारे जिन्ने भी डांग वाली सारे मारने आइए असें सर अपना गेट बंद किया फटाफट अपने भरा का घर निकलने बने अगर सर उत्थे खड़ोते रहेंगे असें सर उल्लै खत्म करी ना उन्हें मतलब सारे जान ले होना अबला उन्हें उल्लै करी ना उल्लै खत्म करी ना मेरे परिवार की पूरी खत्म करी ना उन्हें तो कहना अब पुलिस को अपने रिपोर्ट दी है पुलिस आपके साथ गई अब आप अपने घर क्यों नहीं जा पा रहे सर DSP वहाँ DSP को गए DSP को रिपोर्ट दी DSP साहब ने चौकी उस आख्या भाई कहना इंदर कार्रवाई कर चौकी उस ने कार्रवाई की और चौकी उस उन्हें आख्या भाई इंदर कहना जो कार्रवाई होंगी है और तू कल बंदे भेजगा बंदे भेजिए इन्हें कार सुरक्षित कार छड़न जांगन जोला सर 2 SI गए हे एक IO गेदा हा ते 3 बंदे और गए हे सर मैं मेरी भरजाई और मेरी बीबी जोले छड़े सर मेरी भरजाई अगर पुजी है भरजाई के पिछले मैं पुजा SI मेरे बरांडा खड़ोते दें दोए IO मेरा बरांडा खड़ोते दा छड़ा सर मैं गेट क्रॉस किया सर ओदा प्यो मुड़े का परथी लिया मेरा मगर लगा लगन मारा अगर सर मैं थोई जाता ना मैं तो उन्हें उत्थे खत्म करी ना हाँ उत्थे खत्म करना मेरी भरजाई उन्हें मारिया कुड़ियों जनानियों दी दह मुक्की दियाँ दह लत्ते दियाँ दह मुक्की दियाँ दह लत्ते दियाँ और मेरे जनानी उहदी ने एडा पत्थर चुकया अगर मेरे सिरे मारे मेरे उत्थे खत्म हो जाना हाँ तो फिर असीं पुलिस ने बेचारी ने बाह मेरी भरजाई की बाहवें पकड़िया उसी बार कढ़िया मी बाहवें पकड़िया मी बार कढ़िया आखिर तुस साइड पर होई जाओ इंदे नाल गल करां मेरे मम्मी मेरी आई गई ही मम्मी मेरी लपेट बिच आई गई मम्मी मेरी मारने की कोशिश की पुलिस आने मेरी मम्मी को कढ़िया बजुर्ग आदमी सर कोई 80 साल उम्र आती हो भाई कहीं मम्मी मेरी बार कहीं मेरी मम्मी खत्म करी ना उन्हें चाहते क्या आप हाँ सर ये चाहने भाई मैं सर बेटी है मेरी कल भी बेटी मेरी कहना शादी करनी नहीं है कि बेटी मेरी बड़ी परेशान होगी भी यारी कौन शादी करो वे इन्नी मतलब लाचार होगी कहीं इन्नी दुविधा बच्चे पी गई है कौन कौन उन्हें शादी करोगा बेटी मेरी तो बिल्कुल सुकी सुकी या ढिले लिख हो गई है तो और बेटी सर हूँ कोई शादी वास्तव कुछ ने मनना नहीं है आखिर ये चाहने भाई अस रहा उस घर है वो आखिर बुरवाने इतना रह नहीं देना स्ट्यूल कास्ट ने इतना रह नहीं देना सर में मकान बनाए दा दिहाड़ियाँ लाइए मेहनत करिए मेहनत मजूरी करिए खून पसीने कमाई लाई है और सर में उत्थे रहना चाहना बार में बाहर क्यों रहना में मकान बनाए सर अपना और पुलिस प्रशासन ने साड़ी मदद की ऐसी गल नहीं है बेचारे गए स
साड़ी गलबात सुनी उन्हें सारी उन्हें जो भी सारा पज त्रोटा सब कुछ देखे उन्हें शीशे बारियां सब त्रोड़ी उड़े मेरी मोटर मशीन टांडे डुकने वाली सर वह भी त्रोड़ी उड़ी।